आज 15 जुलाई 2021 को विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य अतिथि में किया जा रहा है। सर, आज के इस कार्यक्रम में सभी जिलों से अपने हमारे आईटीआई के लोग, हमारे स्किल्स के लोग, रोजगार के लोग, श्रम के लोग, ये सभी जिलों से जिला कलेक्टर साहबान जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के प्रारंभ में सर, जो RSLDC के माध्यम से जो स्किलिंग का काम किया जाता है उसका कुछ प्रस्तुतिकरण है, शेष फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। राजेश जी, प्रस्तुतिकरण। सर, आज का ये विश्व युवा कौशल दिवस उन सभी सेवाकर्मियों को समर्पित है जिनके कौशल ने हमारे जीवन की रक्षा की इस कोरोना काल में। राजेश जी, नेक्स्ट। ये सर तीन योजनाएं हैं जो मुख्यतः, एक तो पूर्णतः केंद्र पोषित है जो मैंने पूर्व के प्रस्तुतिकरण में बताया था सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दूसरी है सर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जिसमें स्टेट और केंद्र दोनों मिलकर किस योजना को संचालित करते हैं, और फर्क इतना सा है कि ये MORD की है और वो MSDE की है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। तीसरी जो स्कीम है सर, संकल्प के माध्यम नाम से संचालित होती है जिसमें वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम है और स्किल इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक द्वारा पोषित है। नेक्स्ट। ये सर चार योजनाएं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं जिसमें राज क्विक जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने थोड़े दिन पहले लॉन्च किए सर, ये रोजगार आधारित है। जो दूसरी है सर सक्षम, वो स्वरोजगार आधारित है, नाम से ही इनका पता चलता है सर। और समर्थ वो है सर जिसके माध्यम से जो वंचित वर्ग है और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको आगे लाने के लिए, चाहे वो जेल इनमेट्स हों, वो भिखारी हों, या ऐसे लोग जो रूटीन में नहीं जुड़ पाते उनके लिए विशेष योजना है। और चौथी और आखिरी है सर मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जो हमारे कॉलेजेस में संचालित है जिसमें रेगुलर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग दी जाए ताकि जब वो मार्केट में उतरे तो वो एम्प्लॉयबल ज्यादा हों और उनको नौकरी कहीं और अच्छे से मिल सके। सर, यहाँ पर मैं बड़े हर्ष के साथ ये बात बताना चाहूंगा, जो आपने पिछली बार निर्देश दिए थे उसके अनुसार स्किलिंग एक्टिविटी को बिल्कुल ग्रामीण स्तर तक भी ले जाने का प्रयास किया जा रहा है सर। राज्य में सभी ब्लॉक्स पर, आई रिपीट, सभी ब्लॉक्स पर हमने एक एक कार्मिक अभी लगा लिया है और कम से कम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एक SDC हर ब्लॉक लेवल पर, पंचायत समिति के स्तर पर चालू हो आगामी 2 महीने में, उसके प्रयास जारी है सर। ये सर मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना में 4,000 लोगों को अभी तक प्रशिक्षण दिया गया है और आगामी वर्ष में 10,000 लोगों का करने का लक्ष्य टारगेट लेके चल रहे हैं सर। नेक्स्ट। सर, ये एक मोटा मोटा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि राजक्विक के तहत 35 सेक्टर हैं, पूरे देश में 39 सेक्टर स्किल काउंसिल है सर, उसमें से 35 सेक्टर को कवर करते हुए 334 तरह के कोर्सेस राजक्विक में कराए जाएंगे सर, और सक्षम और समर्थ जो है उसमें 28 सेक्टर को कवर करते हुए 133 कोर्सेज चलाए जाएंगे तरह के, जिनमें से बच्चा कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकता है सर। नेक्स्ट। ये अभी तक की हमारी उपलब्धि है सर, 4,65,000 लोगों को RSLDC ने स्किलिंग कराई है, 1,56,000 लोगों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्किलिंग कराई जा चुकी है सर। आपको ध्यान है सर कि लॉकडाउन की वजह से काफी टाइम से हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर Wave 1 और Wave 2 दोनों में बंद रहे, अभी अनुमति हमें 12 जुलाई को मिली है सर, तो आप उसी दिन हमने शुरुआत कर दी थी, उसके पहले जब बंद रहे थे तब भी कुछ दिक्कतें आई थी, जैसे हमें Wave 1 के बाद अनुमति मिली हमने वापस स्किल डेवलपमेंट सेंटर रीओपन कर दिए हैं। अब इसी 12 जुलाई को वापस SDC खोलने की अनुमति दी जा चुकी है और शीघ्र ही, जैसे आपके निर्देश थे सर, पूरे राज्य में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पुनः अपनी पूरी गति के साथ काम करने चालू कर चुके होंगे। नेक्स्ट। सर, अगर अपन सेक्टोरल देखें इसको, तो अभी तक हमने महिला 1,25,000 महिलाएं, 28,000 अल्पसंख्यक, SC ST के 1,48,000 और दिव्यांग 12,000, इन लोगों को भी हमने स्किलिंग कराई है।
नेक्स्ट, ये कुछ टॉप 6 सेक्टर्स हैं सर, जहां राज्य में सबसे ज्यादा स्किलिंग के लिए लोग आते हैं सर, जो ट्रेनिंग के लिए स्किल लेने के लिए। नंबर वन तो सिक्योरिटी है सर, 38,000 बच्चों ने सिक्योरिटी सेक्टर में, क्योंकि इसमें गार्ड बड़ी आसानी से लग जाते हैं, तो ये सिक्योरिटी सेक्टर की स्किलिंग के नंबर वन हमारा सेक्टर है सर। नंबर टू रिटेल है सर, जिसमें 32,000, इसी प्रकार आईटी में 26,000, मल्टी स्किल्स में 26,000, और हॉस्पिटैलिटी में 25, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 24,000। ये 6 टॉप 6 सेक्टर्स हैं जिनमें स्किलिंग होती की जाती है सर। नेक्स्ट, इसी प्रकार अपन देखेंगे सर कि नौकरी कहां मिल रही है, तो नौकरी में सबसे ज्यादा सर सिक्योरिटी में मिल रही है, नंबर टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, नंबर तीन इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, नंबर चार टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, और नंबर पांच मल्टी स्किल्स। और कोरोना के टाइम पे सर हेल्थ केयर नर्सिंग सेक्टर भी वापस से उभरा है। मैं आगे बताऊंगा सर कि किस तरह से RSLDC के माध्यम से जो युवा स्किल होकर निकले और वो कैसे काम कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, ये सर विभाग की छोटी छोटी 3-4 पहल है। भोर सर भिखारियों के लिए हमने जो कार्यक्रम चलाया था वो आपके निर्देशानुसार मुख्य सचिव महोदय ने पूरे राज्य में चलाने के लिए उसके कार्य रूपरेखा बना ली है सर, और जयपुर को सबसे पहले मॉडल बनाते हुए जयपुर मॉडल के रूप में उसको विकसित किया जाए, और जयपुर को किस प्रकार भिक्षुक मुक्त किया जा सकता है, भिखारियों का पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, उसका हम पूरी प्रयास कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, ये सर छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे वो लोग आए थे और वो कैसे उसके बाद बन गए। नेक्स्ट, उन्होंने कुछ काम सीखा और काम सीख करके अपने आप को हुनरमंद बना करके जो हाथ भीख के लिए उठता था वो हाथ काम के लिए उठा और उसने अपना काम चालू किया सर। नेक्स्ट सर, ये एक आयम शक्ति योजना है सर वेमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की, से महिलाओं को उनके साथ हमारा MOU था, वो जो 5-6 सेक्टर्स हैं जिसमें वो बहुत अपने लिए खुद के लिए भी रोजगार कर सकती हैं, और अगर वो कहीं नौकरी करे तो वहां भी उनको मिल सकता है, तो वो हमने 466 महिलाओं को अभी तक कर दिया है सर। अभी जैसे 12 जुलाई को हमें परमिशन मिली है, उसके बाद से लगभग 990 का हमें टारगेट मिला है, और हम आयम शक्ति इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत स्किलिंग भी करवाने जा रहे हैं सर। नेक्स्ट सर, आपको ध्यान में है सर, जल जीवन मिशन के तहत 33 के 33 जिलों में हम 39,000 प्लम्बर फिटर और इलेक्ट्रिशियन इसकी स्किलिंग करा चुके हैं आपके निर्देशानुसार सर। आगामी वर्ष में भी हम और लेने वाले हैं, ताकि जब इनकी आवश्यकता हो तो हर ग्राम पंचायत के स्तर पर कम से कम दो चार आदमी ऐसे हो जो प्लम्बर फिटर इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो, ताकि उनको ग्राम पंचायत के स्तर पर काम भी मिल सके और वहां जल जीवन मिशन को सफल बनाने में उनकी सहायता ली जा सके। नेक्स्ट, ये सर हमारे RSLDC के कोविड वॉरियर्स थे, जिन्होंने लगभग 5,000 युवक ऐसे हैं सर जिन्होंने विभिन्न सेक्टर्स में हेल्थ सेक्टर में स्किलिंग ली थी, और वो अलग अलग जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी। आज भी 2500 युवा ऐसे हैं जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड स्किलिंग कर रहे हैं, अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए हमारे युवा तैयार होंगे सर। हमने न केवल जो केंद्र सरकार ने हमें एक टारगेट दिया था उससे ज्यादा आगे बढ़कर आपके निर्देशानुसार सर, हमने स्किलिंग सेक्टर को राज्य की योजनाओं में भी हेल्थ सेक्टर के वॉरियर्स तैयार करने का काम अपने स्तर पर भी करने जा रहे हैं सर। नेक्स्ट सर, ये दो हमारी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान उन बिरले राज्यों में से एक है जहां पर दो दो स्किल की यूनिवर्सिटी, एक तो अपनी राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी रीसू है सर, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर BSDU भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, ये सर बिल्कुल अंतिम स्लाइड पे मैं पहुंच गया सर। अगर जो युवा हमसे जुड़े हुए हैं आज या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मंच है जहां वो हमसे फेसबुक के माध्यम से, हमारी मोबाइल हमारे जो लैंडलाइन नंबर है उससे, हमारी जो वेबसाइट है उससे, ऐप से, कहीं से भी वो जुड़ सकते हैं सर। नेक्स्ट सर, इस प्रकार ये विभाग का RSLDC के माध्यम से जो योजना संचालित की जा रही है उनका एक छोटा सा परिचय था सर। अब सर इन योजनाओं जो राजक्विक सक्षम और समर्थ, इनके छोटे छोटे सर वीडियोस संचालित हमने बनाए हैं, वो वीडियो सर एक एक मिनट में हम चलवाते हैं सर। राजेश जी, सबसे पहले राजक्विक का।
रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, हुनर के साथ बढ़ रहे युवाओं के कदम, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बाजार की मांग अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजक्विक, आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित 36 सेक्टर्स के 328 कोर्सेज को शामिल करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन, RDD मॉडल यानी रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉयमेंट के तहत कौशल विकास एवं 100% रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के मानकों पर प्रदेश के अनियमित कार्यबल को प्रशिक्षित करने की योजना तथा ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, निशुल्क आवासीय ट्रेनिंग के साथ राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित रोजगार परक कार्यक्रम, पात्रता 15 से 35 वर्ष के इच्छुक प्रदेशवासी महिलाओं एवं विशेष योग्य जनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक, राजक्विक से मिल रहे प्रशिक्षण और काम, विकसित हो रहा अपना राजस्थान, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित। समर्थ वंचित वर्ग के सशक्तिकरण हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदेश के हर वर्ग हर तबके के लिए रोजगार सृजन व आजीविका अर्जन की दिशा में राजस्थान सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम। योजनांतर्गत लक्षित समूहों में शामिल हैं राजस्थान राज्य के निवासी विशेष योग्य जन, कारागार बंदी, नारी निकेतन, किशोर गृह या बालिका गृह, अनाथालय, ट्रांसजेंडर, एकल नारी, विधवा, परित्यक्ता, अल्पसंख्यक, अवैध शराब बनाने वाले समुदाय, भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु भिखारी, सफाई कर्मी, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी या सांसी, बेड़िया, नट, गाड़िया लोहार या घुमंतु, अर्ध घुमंतु, कंजर, सहरिया, गरासिया, डामोर, कथोड़ी जनजातियों के सदस्य, संबंधित समुदायों के 15 से 45 वर्ष के सदस्यों को सॉफ्ट स्किल व उद्यमिता विकास के क्षेत्र में हुनरमंद बनाने का लक्ष्य, सबको अवसर सबका कल्याण, समर्थ बन रहा राजस्थान, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित। सक्षम योजना कौशल विकास से सक्षम राजस्थान के निर्माण का कार्यक्रम, स्वरोजगार, सामूहिक भागीदारी या अन्य व्यवसाय संचालित करने के इच्छुक प्रदेश के युवाओं को क्षेत्र विशेष का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम, आर्थिक क्षेत्र व बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का निर्माण, नियमित मूल्यांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार के लिए सहयोग, आवासीय एवं गैर आवासीय केंद्रों पर प्रतिदिन प्रशिक्षण का निर्धारित समय, योजना अंतर्गत पात्रता 15 से 45 वर्ष के सभी पुरुष महिलाएं, पंजीयन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए ₹400 तथा महिलाओं व आरक्षित श्रेणियों के लिए ₹200, उन्नत कौशल प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ें, सक्षम बनें, स्वरोजगार का सपना पूरा करें। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित। धन्यवाद सर। सर ये तीनों योजनाओं के पोस्टर विमोचन के लिए मेरा श्रीमान से निवेदन रहेगा सर कि तीनों योजनाओं का पोस्टर विमोचन के लिए सर। राजेश जी सबसे पहले सर राजक्विक सक्षम समर्थिनों का थैंक यू सर। तीनों योजनाओं का लॉन्च हो चुका है सर और तीनों योजनाओं में जिस तरह से सहभागिता है उसमें अधिक से अधिक लोग लाभ ले पाएंगे सर। धन्यवाद सर। सर ये लेट बाद में अभी नहीं सर ये वाला। धन्यवाद सर। सर इसके बाद में माननीय राज्य मंत्री कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग श्री अशोक चांदना सर से निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन के लिए सर। सर नमस्कार। आज वर्ल्ड स्किल डे है और मैं समझता हूं कि ये एक विचार पूर्व में राजस्थान आजीविका के नाम से शुरू हुआ और इसको RSLDC के रूप में एक निगम बनाने का काम सर आपने आपके पिछले राज में 2008 से 2013 में किया। एजुकेट करना प्रदेश की युवा पीढ़ी को, देश की युवा पीढ़ी को आजादी के बाद का आइडिया था, लेकिन एजुकेट होने के बाद में अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है और एजुकेशन के बाद में स्किल करना ये बहुत लेटेस्ट और ट्रेंडिंग आइडिया है साहब।
और वो आपने 2013 से पहले ही इसकी शुरुआत ये निगम बनाकर कर दी थी। सर, इस जब से ये हमारी निगम बनी है 4,65,000 युवाओं को राजस्थान में स्किल हमने प्रदान किया है और तकरीबन 2,00,000 युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ा है। पिछले 2 साल में जो हमारा कार्यकाल रहा, 1,56,000 युवाओं को हम लोगों ने इससे लाभान्वित किया और कोविड की वजह से 6-7 महीने हमारे खराब हुए, लेकिन हम इस कोविड का जो दौर था इसके अंदर हम लोग इस रुके नहीं, हम लोगों ने आने वाले दौर में किस प्रकार से हमको ये 6-7 महीने का समय कवर करना है इसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी करी है। और आने वाले समय में राजस्थान को, क्योंकि सर 2015 के बाद से निरंतर हर साल राजस्थान का RSLTC विभाग नंबर 1 की ट्रॉफी पूरे देश में लेता रहा है और किसी न किसी चीज में हम हमेशा पूरे भारत के अंदर चैंपियन। राजस्थान की जो स्कीम्स हैं, राजस्थान के जो आइडियाज हैं, उनको भारतीय सरकार भी बड़े सीरियसली लेकर, और बहुत सारे हमारे आइडियाज हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर उनको अप्लाई किया जाता है। लेटली साहब, हमने राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जो बनाई थी उसके अंदर अभी हमने ऑनलाइन भी स्किल करने का काम शुरू किया है। ये पहली बार है कि RSLDC के किसी कोर्स में ऑनलाइन स्किलिंग शुरू करी और हम भारत सरकार को भी लिख रहे हैं, क्योंकि और हमने देखा है सर कि स्किलिंग का प्रोग्राम ऑनलाइन हो सकता है, जैसे सॉफ्ट स्किल होता है। पूर्व में बहुत सारे बच्चे हमारे नौकरी को पाते थे और नौकरी लगने के बाद में जब 4-6 महीने बाद में 8 महीने बाद में उनकी हम रिपोर्ट लेते थे तो उन रिपोर्ट से पता लगता था कि उनकी नौकरी छूट गई। अनेकों लोगों से संपर्क करने के बाद में हमें ये पता लगा कि कई बार बोलने का तरीका, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सॉफ्ट स्किल छोटी छोटी स्किल्स हैं जो वर्किंग प्लेस के अंदर किस प्रकार से बिहेवियर और एक कर्मचारी का रहना चाहिए उसकी बड़ी कमी होने की वजह से हमारे बच्चों को काफी समस्या होती थी। और ये सॉफ्ट स्किल के माध्यम से हमने राजस्थान में तकरीबन सभी सेंटर्स पे हमने ये शुरू कर दिया है। ऑनलाइन हमने मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के दौरान पहली बार ये हमने ट्रायल किया है और इसका बहुत जल्द हम आपके सामने प्रेजेंटेशन लाएंगे कि सारी स्कीम्स में कैसे हम इसको ऑनलाइन स्किल को भी हम लोग शुरू करें ताकि कभी भी कोविड जैसी अगर स्थिति परिस्थिति बनती है तो हमारे प्रदेश के युवाओं के स्किलिंग के प्रोग्राम्स ना रुके। सर, पूर्व में कई सारी हमारे RSLDC के प्रोग्राम्स में, क्योंकि 5-6 साल से ही ये प्रोग्राम शुरू हुए, छोटी छोटी समस्या रही और अब इस 1-2 साल के अंदर आपके आशीर्वाद से और आपके नेतृत्व में राजस्थान ने काफी समस्याओं को दूर कर लिया है, नई नई नवाचार किए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ सेक्रेटरी साहब को, नीरज पवन जी को सर, कि इन्होंने खूबसूरत आइडिया आपने देखा, इन्होंने भी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि जो हाथ भीख के लिए उठते थे वो हाथ अब स्वरोजगार के लिए और रोजगार के लिए उठेंगे। 3 बैच हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बाकी तकरीबन 880-890 भिक्षुक जो थे उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और आपकी इच्छा अनुसार ये प्रोग्राम सर आपको भी बड़ा अच्छा लगा, हमने प्रेजेंटेशन आपको जब दी थी तो इसको इसी प्रकार से करके हम राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसमें एक विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको चलाकर राजस्थान को, हमारा सपना है कि आपके राजस्थान को, हमारे राजस्थान को मिलकर हम एक भिक्षुक फ्री राजस्थान बनाए और इस प्रोग्राम को हम पूरी तेजी से राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर भी, जयपुर मॉडल बन गया है लेकिन और जिले जैसे कि उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, जो बड़े हेडक्वार्टर्स हैं उनके अंदर हम इसको शुरू करें। सर, हमारे पास में सबसे बड़ी योजना जो आपने हमारे प्रदेश के युवाओं को दे रखी है वो है युवा संबल योजना। स्किल के अलावा भी सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे युवा रोजगार पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वो बेरोजगार रह जाते हैं। ये अपने तरह की सर राजस्थान में आपके आशीर्वाद से पहली योजना है पूरे देश के अंदर जिसमें तकरीबन 1,60,000 युवाओं को, पुरुषों को 3,000, महिलाओं को 3,500, विशेष जन को 3,500, इस प्रकार से 1,60,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हमारे राजस्थान में दिया जा रहा है। सालाना 200 करोड़ से ऊपर का खर्चा हो रहा है। मैं समझता हूँ सर ये राजस्थान के युवाओं के लिए और वो युवा जो निरंतर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते उनके लिए ये एक लाइफ सेविंग योजना है। सर, हमने एक टारगेट हमारे विभाग का लिया है कि सालाना कम से कम 1,00,000 युवाओं को हम लोग, 1 से 1.25 लाख युवाओं को हम लोग हमारे विभाग के द्वारा सेंटर्स पे ट्रेन करेंगे। बाकी विभाग के जो जैसे भी आयम शक्ति के बारे में सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आयम शक्ति की ट्रेनिंग्स भी हम दे रहे हैं, मेडिकल विभाग की ट्रेनिंग्स भी हमारे पास में आ रही है और भी जो विभाग हैं जिनकी स्किलिंग का काम है वो स्किलिंग
हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन केवल हमारे विभाग के आरएसएलडीसी के सेंटर्स के ऊपर तकरीबन 1.25 लाख युवाओं को ये स्किल करके सालाना कम से कम 50,000 से 60,000 युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार तक हम लोग पहुंचाएंगे। सर, हम लोगों ने टारगेट लिया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान को स्किलिंग में और स्किलिंग के द्वारा रोजगार और स्वरोजगार में देश में नंबर 1 बनाएंगे। सर, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपका स्नेह भरा उद्बोधन हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। सर, इसी के साथ अगला जो चरण है, हमारे जो स्किल सेंटर्स पर जो बच्चा स्किल लेकर के निकल गया, अगर उसने स्वरोजगार चूज करता है वो, तो उसको किस प्रकार का ऋण मिल सकता है? भारत सरकार की, राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनको एकत्रित करके हमने एक पुस्तिका के रूप में श्रीमान के समक्ष रखी है। आज आपके विमोचन के उपरांत ये पुस्तिका पूरे राज्य में जाएगी। श्रीमान से निवेदन कि ऋण से संबंधित जो योजनाएं हैं उसके विमोचन के लिए आदरणीय सर। धन्यवाद सर। सर, इस पुस्तिका में राज्य की और केंद्र की जिस भी जहां जहां से भी पैसा मिल सकता है, लोन मिल सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कहां उसको मिलेगा, उसका लिंक भी दिया है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बना के सर हर बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जब वो निकले तो उसके पास कोई रहे कि वो जहां कहां से लोन ले सकता है। सर, इसी के साथ सर हमारे रोजगार संदेश और दक्ष करके हमारा न्यूज़लेटर निकलता है सर, उसके विमोचन के लिए निवेदन है सर। साथ ही सर ये रोजगार संदेश जो हमारे रोजगार विभाग का सर एक न्यूज़लेटर है, इसके माध्यम से जो रोजगार के मेले लगाए जाते हैं या रोजगार की जो गतिविधियां हो रही है उनके बारे में जानकारी दी जाती है सर। दूसरा है सर, धन्यवाद सर, दूसरा दक्ष करके हमारे इस आरएसएलडीसी का न्यूज़लेटर है सर। ये आरएसएलडीसी का न्यूज़लेटर है जिसके माध्यम जो हमारी गतिविधियां हैं उसकी जानकारी दी जाती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही सर अंतिमतः जो जैकेट, जो नई योजनाएं लॉन्च हुई हैं सर, उन योजनाओं को एक जैकेट के रूप में हम सभी जगह पहुंचाना चाह रहे हैं। इस फोल्डर में हमारे राजक्विक, सक्षम और समर्थ, इस और बाकी हमारा न्यूज़लेटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब मैं अगले चरण के रूप में माननीय राज्य मंत्री श्रम विभाग श्री टीकाराम जुली सर से निवेदन अपने उद्बोधन के लिए। नमस्कार, 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 प्रारंभ कीजिए आप। सर, आदरणीय आदरणीय पाटी जी यहाँ पे उपस्थित थे, कौशल विभाग के सभी अधिकारीगण। सर्वप्रथम तो सर वर्ल्ड स्किल डे जो आज और साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये समय बहुत बड़ी चुनौतियों, एक तरफ नई नौकरियों की तलाश है तो वहीं पुरानी नौकरी बचाने का भी बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। सर, आपकी आवाज कर रहे हैं नई स्कीमें, सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब आ रही है। हाँ सर, आ रही है। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि आपके निर्देशन में हमारी कहाँ जुड़ रहे हैं, घर से है।
प्राथमिकता है सर, अपना एक अलग से हुनर होता है, हम सिर्फ उसको इस हुनर के आगे पहुंचाने का काम हम करें, हमारा विभाग करे। ये मैं निवेदन कर, बहुत ही बड़ी समस्या है, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। उसके लिए चांदना जी, पवन साहब और पूरा डिपार्टमेंट ऐसे कठिन परिस्थितियों के अंदर कोविड के समय में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आगे भी आपके निर्देशन में हम पूरा प्रयास करेंगे कि युवा पीढ़ी को अच्छा स्किल उपलब्ध करा के उनके जीवन में नई खुशियां हम दे सकें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले चरण में हमारे साथ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर भाटी सर भी जुड़े हुए हैं। सर से निवेदन अपने उद्बोधन के लिए। नमस्कार सर, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री परम आदरणीय जननायक अशोक गहलोत जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आयोजक के रूप में माननीय राज्य मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, युवा मामलात खेल विभाग श्री अशोक चांदना जी, हमारे साथी माननीय मंत्री टीकाराम जी जूली साहब, नीरज के पवन जी और सभी अधिकारीगण और सभी जिलों से जुड़े हुए विभाग के सम्मानित प्रतिनिधिगण, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय अशोक चांदना जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कौशल दिवस के अवसर पर, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित रूप से कोरोना के समय में जब चारों तरफ एक तरह से बीमारी की एक महामारी के समय में हमारे युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम युवाओं को किस प्रकार से, हमारे प्रदेश के युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरियों पर वो निर्भर नहीं रहे बल्कि वो कुछ अपना ऐसा हुनर सीखे जिसके माध्यम से वो आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके और वो अपना खुद का छोटा व्यापार कर सके, काम कर सके। क्योंकि आज के समय में नौकरियों की जो संख्या है वो दिनों दिन मैं समझता हूँ कि कुछ कम होती जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से अभी प्रेजेंटेशन दिखाया गया और नीरज के पवन जी ने पूरी विभाग की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में बताया और राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से सामने, अच्छे परिणाम सामने आए हैं और प्रदेश के अनेक युवा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। निगम की सभी योजनाओं का संचालन निगम के चयनित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर किया जाता है। ये प्रसन्नता का विषय है कि निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अभी तक 4,65,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, ये एक अच्छी संख्या है तथा निगम इस उपलब्धि के लिए बधाई का पात्र है। इन प्रशिक्षित युवाओं को निगम द्वारा रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं हेतु MMYKY 2.0
4.0 ऑनलाइन प्रशिक्षण आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 4,000 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। कोविड परिस्थितियों के कारण इनका प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से 31 मार्च 2021 से सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 हेतु भी मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट में घोषणा की गई है, इसमें इस वर्ष 10,000 छात्र छात्राओं के ऑनलाइन प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को सूचीबद्ध करने हेतु ईओआई भी प्रकाशित की जा रही है। राज्य में देश के प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान आईएलडी स्किल विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र में भारतीय स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि निगम के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों के कारण ही निगम को समय समय पर पुरस्कृत भी किया गया है। आज लाखों युवा राज्य भर में इस दिवस को पूरे उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं युवा कौशल दिवस के अवसर पर समस्त युवाओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके माध्यम से अन्य युवाओं को भी कौशल क्षेत्र में अच्छा कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में न सिर्फ युवा कौशल विभाग के द्वारा, बल्कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भी हमने पूरा प्रयास किया है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी हम अलग अलग माध्यम से उनको उनकी नियमित डिग्री के साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज हमने प्रारंभ किए हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क हैं, और इन कोर्सेज का जो 3 मंथ्स के 6 मंथ्स के जो कोर्सेज हैं, ये विद्यार्थियों को अपनी डिग्री लेकर जब वो बाहर निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो उनके सामने एक चिंता रहती है कि आगे रोज़गार और आगे उनके ऊपर जीवन में जो जिम्मेदारियां आने वाली होती है, उन जिम्मेदारियों को वो किस प्रकार से निभाएंगे। हमने ये प्रयास किया है हमारे उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के आह्वान पर कि हर विद्यार्थी को कौशल विकास के ऐसे कुछ कोर्सेज में पारंगत किया जाए जिससे कि वो डिग्री लेकर निकलने के बाद आत्मनिर्भर होकर के निकले और अपने जीवन में वो स्वावलंबी बन सके, अपने जीवन में उसकी जो कॉलेज के बाद की जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है उसका भी वो पूरी तरह से पालन कर सके। मैं पुनः ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कोरोना की इन परिस्थितियों में भी आपने राजस्थान में, चाहे सब कुछ बंद रहा हो, उसके बावजूद राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान ही नहीं बल्कि प्रदेश से बाहर से भी जो लोग आए थे, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, उन लोगों को भी आपने कोविड के समय में घर बैठे उनके गांव में रोजगार देने का अवसर आपने प्रदान किया है। निश्चित रूप से कोविड के समय में भी लोगों के सामने जो बेरोजगार या काम छिन जाने की जो दिक्कत आई थी, जो समस्या आई थी, उसका समाधान भी कोविड की, चाहे फर्स्ट वेव रही हो चाहे सेकेंड वेव रही हो, उसके समाधान के रूप में आपने गाँव में बैठे हुए उन बेरोजगारों को रोजगार दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः आभार प्रकट करते हुए, अशोक चांदना जी का और श्रम मंत्री माननीय टीकाराम जूली जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सर, हमारे साथ सभी जिलों में जिला कलेक्टर साहबान एवं संभागीय आयुक्त महोदय और उनके साथ साथ हमारे स्किल आइकन और स्किल एम्बेसडर। स्किल आइकन वो लोग हैं सर जिन्होंने हमारे यहाँ स्किलिंग पाने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी की और सर्वाधिक वेतनों पाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आपकी स्नेहमयी उपस्थिति में सभी जिलों से, जिला कलेक्टर साहबान से और संभागीय आयुक्त महोदय जहाँ भी राजे हैं उनसे हमारा आग्रह कि 12 जो हमारे स्किल आइकन हैं और एक स्किल एम्बेसडर आरती कुमारी जो जालौर में है, जो स्वरोजगार कर रही हैं, उन सबके सम्मान के लिए आप सबसे आग्रह। सभी जिला कलेक्टर साहबान जहाँ जहाँ पर हमारे साथ सर, पिंकी कुमारी वर्मा जयपुर में, रविशंकर अग्रवाल जयपुर में, अनामिका और कविता ये जयपुर में, गंगानगर में दीपिका, सतीश कुमार महावर अलवर से, एजाज कुरेशी झुंझुनू, चंदन सिंह चूरू, योगिता दादी सीकर, अशोक वर्मा गंगानगर, जसप्रीत सिंह जयपुर,
ये लोग हमसे जुड़े हुए जो स्किल आइकन के रूप में हमसे ये मैसेज देंगे सर पूरे राज्य के युवाओं को कि RSLDC के माध्यम से जो कोर्सेज चलाए जाते हैं उनसे आप लाभ लेकर के अपनी कहीं अच्छी नौकरी पा सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री अशोक चांदना सर से निवेदन कि वे इनमें से जो कुछ लोगों से संवाद करने का आपका निर्देश था सर। मैं जयपुर में जो हमारे साथ कविता शर्मा बैठी हैं, कविता जी से आग्रह माननीय मंत्री महोदय श्री अशोक चांदना सर से संवाद के लिए। जयपुर में कविता जी हैं, कविता शर्मा सर हैं। यस सर। अपना अनुभव बताएं आप कविता जी। मेरा नाम कविता शर्मा है सर, मैं होलियाकवा श्री माधोपुर सीकर की रहने वाली हूँ। मैंने ग्रेजुएशन तक क्वालिफाई किया है, उसके बाद में मैंने 3 मंथ का रिटेल सेल्स पर्सन का कोर्स किया जो DDU GKY सेल्फ एजुकेट के द्वारा करवाया गया था। वहाँ पे 3 मंथ में हमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनर थे, वो भी ट्रेनर भी बहुत अच्छे थे कि उन्होंने इस तरह से हमें ट्रेंड किया कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। हमेशा मतलब जॉब में प्रॉब्लम आती थी, घर वाले कोर्स करने के लिए नहीं भेजते थे, तो हमारे मुकेश सर हैं जिन्होंने हमारा मोबिलाइजेशन किया था, उन्होंने घर वालों को कन्वेंस किया और फिर हमें ट्रेनिंग सेंटर पे लेके आए, उन्होंने फिर हमें ट्रेनिंग दी और उसके बाद में 3 मंथ का रिटेल कोर्स कंप्लीट होने के बाद सेल्फ एजुकेट DDU GKY द्वारा मुझे जीवन एसोसिएट जो कि ICICI बैंक ऑथराइज चैनल पार्टनर कंपनी है उसमें टीम लीडर की पोस्ट पर मुझे जॉब मिली और जहाँ पर आज मेरे को 35,000 सैलरी मिल रही है। उससे मेरी फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पा रही हूँ। इसके लिए थैंक यू, मैं सेल्फ एजुकेट DDU GKY और RSLDC को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू कविता जी। आपके साथ अनामिका जोशी जी भी बैठे हैं। अनामिका जोशी मेरा नाम अनामिका जोशी है, मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से ग्रामीण एरिया से रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ से DDU GKY से कोर्स किया था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। यहाँ से इन्होंने 3 मंथ का हमारा कोर्स हुआ था, उसके बाद में जयपुर में हमें जॉब दिलवाई गई। 3 मंथ के कोर्स के बाद में अभी मैं जयपुर में जॉब कर रही हूँ JBBNL में। हाँ मैंने बोला लेकिन अभी घर के जॉब की वजह से मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और सब कुछ अच्छे से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और RSLDC और DDU GKY को भी ताकि ऐसी स्कीम आगे तक चलती रहे ताकि सभी युवाओं को आगे जॉब मिल सके। धन्यवाद सर। मंत्री महोदय आपको ये किसने बताया कि आपको जाकर स्किल ट्रेनिंग सेंटर पर जाना चाहिए, वहां से स्किल लेनी चाहिए और उससे आपको फायदा होगा? जी 12th के बाद में हमारे गांव में टीम आई थी RSLDC जी, वहां से उन्होंने हमारे घर पे बताया, घर पे मम्मी पापा को कन्विंस किया, उसके बाद में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था लेकिन फिर से कोशिश करके कन्विंस किया। वहां से मुझे 3 मंथ के लिए टोंक भेजा गया। टोंक में 3 मंथ तक मैंने BPO Non-Novice का कोर्स किया, उसमें सॉफ्ट स्किल और बिजनेस प्रोसेस और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी मुझे वहाँ से दी गई। उसके बाद में 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद में जयपुर में आई। जयपुर में मेरे को यहाँ से JBBNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जॉब कर रही हूँ, एजेंट पद पे कार्यरत हूँ। अभी मेरी सैलरी है 9,000 में पर मंथ और अभी जॉब की वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक है। RSLDC और DDU GKY को मैं अच्छा आपने स्कूल में एजुकेशन ली, कॉलेज में एजुकेशन ली, स्कूल एजुकेशन में और ट्रेनिंग और स्किलिंग में आपको क्या फर्क लगता है? स्कूल एजुकेशन में और ट्रेनिंग एजुकेशन में आपने एक तो स्कूल में पढ़ाई करी किताब में और एक आपने हमारे स्किल सेंटर में जो ट्रेनिंग ली स्किल्स की, इसके अंदर दोनों चीजों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? डिफरेंट क्या फर्क है, कुछ फर्क लगता है इनमें दोनों में? जी स्कूल में भी हमने अच्छे से पढ़ाई की बट यहाँ पे 12th के बाद में हम घर पे रहे, उसके बाद में हमें जो स्कीम का पता चला यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, सॉफ्ट स्किल और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सॉफ्ट स्किल कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बात करनी है, आगे मतलब बाहर कैसे निकल सकते हैं हम इस जॉब के इसके थ्रू। धन्यवाद अनामिका जी। चलो बहुत अच्छा। सर मेरा अगला निवेदन, जालौर में आरती कुमारी जी हैं जो स्वरोजगार कर रही हैं
और आत्मनिर्भर होकर के अपना खुद का काम कर रही हैं, उनको हम स्किल एम्बेसडर के रूप में आज सम्मानित किया है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन, आरती कुमारी जी जो जालोर बैठी हैं, जालोर। माननीय अशोक गहलोत जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैंने RSLD एवं राजस्थान ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान के माध्यम से कौशल आजीविका प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद मैंने अपने घर पर ही ब्यूटी पार्लर खोलकर पर मंथ 5,000 रुपये कमा लिए। इसकी वजह से मैं RSLDC एवं ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने गांव में आके हमें प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए हमें सेंटर पर लाया गया और हमें अच्छी ट्रेनिंग दी गई। इसके माध्यम से मैं आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं अशोक चांदनी को धन्यवाद करती हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आई सर, माननीय मंत्री महोदय। होगा कि आप युवा कौशल आइकॉन चुने गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज स्किल एम्बेसडर बनी, कि क्योंकि आपको देखकर बाकी राजस्थान की हमारी जो बच्चियां हैं जो ट्रेनिंग लेती हैं और वो खुद अपने हाथ मजबूत करेगी, खुद अपने जीवन में सफल होने की कोशिश करेंगी, तो वो आपसे सबक लेने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेनिंग आपने डिपार्टमेंट में ली, इस ट्रेनिंग से आपको कितना फायदा मिल सका इस नए काम को शुरू करने में? मुझे इससे बहुत अच्छा फायदा मिला कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उसकी वजह से मैंने ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया और ट्रेनिंग लेकर मैंने बहुत ही अच्छा आगे लड़कियों को भी मैंने बताया कि RSLDC एवं राजस्थान ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान के माध्यम से मैंने ये प्रशिक्षण लिया और लड़कियों को आगे भी बढ़ाने के लिए मैंने ट्रेनिंग दी। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छे। आपने सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग ली है? जी सर। तो उससे आपको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग से कुछ फायदा मिला आपको? हाँ जी सर। धन्यवाद आरती जी, धन्यवाद, बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये वो संकेत हैं, ये वो प्रतिनिधि हैं जो हमारे स्किल इकोसिस्टम के जो हजारों युवा आज इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सदारत में देख रहे हैं और जो सर का आह्वान आज के अखबारों में पूरे राज्य के सभी युवाओं तक पहुंचा है कि इस खुद रोजगार पाने के लिए स्किल्ड होकर के आगे आए। अंतिम तह सर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उद्बोधन एवं आशीर्वाद वचन के लिए निवेदन करूं, उससे पूर्व सर हमारे ITI में भी सर दो तरह के लोग हैं, जो RCVT के टॉपर्स हैं और जो ITI से बच्चा निकला और निकल के वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। तो 33 के 33 जिलों में सभी जिला कलेक्टर साहबान एवं जहाँ संभागीय आयुक्त महोदय बैठे हैं उन सबसे हमारा आग्रह कि हमारे जो ITI से निकले हुए ब्रांड एम्बेसडर उनका सम्मान और उसके साथ साथ जो RCVT NCVT के टॉपर्स हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपस्थिति में इन सबका सम्मान के लिए सभी जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह है। सभी जिला कलेक्टर साहबान RCVT NCVT टॉपर्स जो 11 हैं और उसके साथ ब्रांड एम्बेसडर जो हैं उन सबके सम्मान के लिए ये सबको मैसेज जाएगा सर कि ITI से निकल के बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नौकरी पा करके अपने जीवन का अपने परिवार का सर पूरे राज्य में 33 के 33 जिलों में सभी जगह पर RCVT NCVT टॉपर्स और ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान किया जा रहा है। सर आप सबका आभार, आप प्रेरणा स्वरूप सभी लोगों के लिए एक स्तंभ का काम करेंगे कि और बच्चे भी अगले साल इस मंच पर पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपस्थिति में सभी का सम्मान हो।
अपनी अपनी आईटीआईज में आप सब ये मैसेज दें कि जो बाकी बच्चे अभी भी क्लासेस चल रही हैं सर, जिनकी एग्जाम्स अभी हुई हैं, और हमें विश्वास है सर कि जैसे ही वापस से, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा था, जैसे ही वापस चालू होता है वापस से इन सबको स्किल से जोड़ा जा सकेगा सर। सभी जिला कलेक्टर साहब का आभार। अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में एक लक्षित भट्ट है जो अजमेर में है और 51,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। मिस्टर रवि जाटव है जो इसरो में 65,000 की नौकरी कर रहे हैं सर। सुरेंद्र कुमार मीणा जी बूंदी में है और 44,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। और अरुण कुमार जी जो अलवर में है वो 55,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं सर। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से सैंपल के रूप में एक लक्षित भट्ट जो अजमेर में बैठे हैं उनसे संवाद के लिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन। अजमेर में लक्षित भट्ट, लक्षित जी अजमेर। विश्व युवा कौशल दिवस पर सर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, कौशल एवं रोजगार मंत्री श्रीमान अशोक चांदना साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आज मुझे अजमेर जिले में ब्रांड एम्बेसडर बनाकर जो मेरा सम्मान और मुझे गौरवान्वित महसूस कराया है उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। सर मैंने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ब्यावर से आईटीआई की। अपने प्राचार्य महोदय श्रीमान एस बी माथुर साहब और अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से मैंने अपने 2 वर्ष का इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यवसाय किया और उसके बाद कंपटीशन तैयारी करके मैंने दिल्ली मेट्रो में, जो कि मेरा दिल्ली मेट्रो जयपुर मेट्रो में नौकरी करने का एक सपना था, तो मैंने पूर्ण किया और आज मैं संचार और दूरसंचार विभाग में कार्यरत हूँ और वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ सर। और इस पूरा सम्मान का श्रेय मैं अपने माता पिता गुरुजनों को देना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम जी, आपको सर माननीय मंत्री महोदय संचित जी आपको बहुत बधाई, आपको धन्यवाद सर एंबेसडर बनाया गया है। आप क्या आपको जो आईटीआई के अंदर आपने 2 साल का कोर्स किया इसमें आप अपने जीवन में कितना बदलाव मानते हैं कि इस कोर्स की वजह से या इस आईटीआई की वजह से आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? सर इस कोर्स से मैं अपने जीवन में पूर्णतः बदलाव देख रहा हूं सर। सर मेरे अंदर स्किल्स, बोलने की स्किल्स और सर मेरे हाथ में एक हुनर आ गया। मेरी सर बचपन से इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी सर, तो 12वीं के बाद सर मुझे अपने शिक्षकों ने मेरी रुचि को पहचाना परखा और उन्होंने मुझे आईटीआई करने के लिए सलाह दी सर। आईटीआई में जाने के बाद सर प्राचार्य महोदय से भी मिला, उनका भी बहुत सहयोग रहा और गुरुजनों के मार्गदर्शन से सर मेरे जो मुझे रुचि थी उसको और भी निखार आया सर उसमें। और उसको देखते हुए सर मैंने मेट्रो में भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ही विभाग मिला, जिसमें जो मैंने कौशल आईटीआई में प्राप्त किया वो मैं हुनर अपना वहाँ दिखाकर वहाँ भी सर अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि सर राजस्थान का और देश का नाम रोशन करूं सर। अब आप आईटीआई में आईटीआई के चेहरे के अंदर और वहां आप आईटीआई के फेस और ब्रांड के रूप में जाने जाओगे। राजस्थान के युवाओं को जो बाकी आईटीआई में पढ़ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किल ले रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर आज इस शुभ अवसर पर सर मैं अपने युवा साथियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि वो सर ढेरों डिग्रियों तले दबके ना रह जाए। डिग्रियां इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, मतलब आपके पास अगर स्किल है और आपके हाथ में हुनर है, आपकी जो इच्छा है, जो रुचि है, उसके आधार पर आप स्किल कोर्स कर सकते हैं। स्किल कोर्स करने के बाद आपके सामने कई रास्ते खुल जाते हैं जिससे आप अपना स्वरोजगार भी खोल सकते हैं और सरकारी नौकरियों में भी अपनी सेवाएँ दे सकते हैं, जिससे वह अपने परिवार और अपनी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर कर सकते हैं सर। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर ये लक्षित भट्ट जी थे जो कि अभी दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे हैं और 51,000 रुपए की सैलरी पा रहे हैं सर। मैं एक रवि जाटव जी का रेफरेंस दे रहा हूँ सर, मैं वो आईटीआई से निकल के इसरो में काम कर रहे हैं और 65,000 रुपीज का पैकेज उनका सर।
और बूंदी में सुरेंद्र कुमार मीणा जी हैं जो 44,000 को, ऐसे पूरे राज्य में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो आईटीआई से निकल के और नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सर आप सर आपके समक्ष जो जयपुर में देख रहे हैं सर, जो हमारे स्किल एम्बेसडर थे, स्किल आइकन्स थे, इनको ट्रॉफी के साथ साथ इनको पैसे का चेक भी दिया गया है और 11,000 रुपए का सर चेक इनको दिया जा रहा है सर। अंत में सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूं कि आपके आशीर्वचन स्वरूप हमारे पूरे विभाग को, हमारी पूरी टीम को आपका स्नेह वचन हमें प्राप्त हो सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभाग के मंत्री अशोक चांदना जी, टीकाराम जोली जी श्रम मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री बाबू सिंह भाटी जी, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप राका जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम, अभय कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, अखिल अरोड़ा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, नीरज पवन जी सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट, अमित ढाका जी स्पेशल सेक्रेटरी सीएमओ, संदेश नायक जी कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन, प्रदीप गावड़े जी एमडी आरएस एलटीसी, तमाम अन्य उपस्थित अधिकारीगण और तमाम राजस्थान में बैठे हुए हमारे साथी डिविजनल कमिश्नर्स, जिला कलेक्टर्स, अन्य अधिकारीगण, और ये क्योंकि जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश के लोग इस विषय से, तो सम्मानित प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, अभी मैं अशोक चांदना जी से इंट्रोडक्शन सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक से बढ़कर के सभी साथियों ने अपने अनुभव शेयर किए और यही संदेश पूरे प्रदेश के युवाओं में जाना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट का क्या महत्व है। अगर पूरे विश्व के अंदर विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, इसके अपने मायने होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट का महत्व है। फर्क इतना ही, हमारे मुल्क में हम लोग की सोच अलग तरह की होती है, इसलिए कई लोग देखते हैं कि पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त करें, उसके बाद में अच्छी नौकरी प्राप्त करें, वो एलडीसी की नौकरी हो चाहे वो यूडीसी हो, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी लक्षित भट्ट कह रहे थे कि मैं कहना चाहूँगा युवाओं को, जब अशोक चांदना जी ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा डिग्री इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके मायने ये भी है, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, श्रम की प्रतिष्ठा, दुनिया के मुल्कों में चाहे विकसित राष्ट्र भी क्यों नहीं हो, वहाँ पे वो जानते हैं कि जो काम स्किल द्वारा सीख करके करता है, चाहे वो प्लम्बर हो चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, वो भी अपने आप को एक आम नागरिक में सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है, इसलिए कई लोग जिस रूप में स्किल डेवलपमेंट का काम जो सोच रहती है उस रूप में लोग जुड़ते नहीं हैं। हालांकि राजस्थान में करीब 2,000 के लगभग यहाँ आईटीआई है। शुरू से कंसेप्ट राजस्थान में अच्छा रहा, मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पे होगा जहाँ इतनी बड़ी संख्या में आईटीआई है। हमारे यहाँ राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त में उन्होंने 87 में जो मिशन बनाए, 6 मिशन बनाए, टेक्नोलॉजी मिशन, उस पर एक मिशन बनाया टेली कम्युनिकेशन का, और उनका सपना था कि हम नई शताब्दी में जाएं, प्रवेश करें तो हम लोग भी विकसित राष्ट्रों की तरह आगे बढ़ सकें। बहुत बड़ा सपना था, उस वक्त लोग समझे नहीं थे कि जब उन्होंने कहा उसे 15 साल बाद में जाना था 21st century में, तो लोगों ने कहा वो तो सतह जाएंगे क्या कहना चाहते हैं। तो उनका मतलब ये था कि ये कंप्यूटर दुनिया भर में आ रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं आ रही है,
मोबाइल फोन आ रहे हैं, तो हम लोग भी साइंस में और टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे प्रगति करें जिससे कि हमारे मुल्क के अंदर भी नौजवानों को अवसर मिल सके। अगर उनकी सोच ये नहीं होती तो आज इस प्रकार से इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन और जितनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, गूगल्स की जानकारियां, दुनिया भर की जानकारियां प्राप्त कर रहे हो नौजवान, वो शायद नहीं कर पाते। तो एक सोच जो होती है, सोच बदल देती है समाज को भी, रास्ता दिखा देती है देश को भी, प्रदेश को भी, प्रदेशवासियों को भी। सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है और सोच के साथ में राजीव गांधी जी ने प्रयास शुरू किए थे। आज हम देखते हैं कि बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलता, कितने प्लेटफॉर्म बनते हैं, तमाम विभाग जुड़े हुए हैं हमारे, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। लाइट इन्फॉर्मेशन का काम भी IT के माध्यम से हो रहा है, रेलवे की टिकट हो, एयरप्लेन की टिकट हो, सब उसके माध्यम से आप रिजर्वेशन हो जाते हैं। पहले कोई 10-10, 15-15, 20-20 दिन लगते थे, जयपुर से कोई बॉम्बे जाना होता ट्रेन बदलने रास्ते में मान लीजिए तो कितने दिन लगते थे, हम तो बचपन में देखे हुए हैं। तो IT ने क्रांति कर दी, तो एक सोच थी। उसी प्रकार से आरमोल बनाया हम लोगों ने। जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड मिशन बनाया था, एक प्रयास किया गया कि हम लोग स्किल की ट्रेनिंग दें लोगों, बच्चों को, नौजवानों को। धीरे धीरे 15 के अंदर LDC के रूप में आजीविका विकास निगम कौशल के साथ में इसका निर्माण हुआ और धीरे धीरे इसमें आप देखते हैं कि अलग अलग संस्थाएं बन गई है, कई संस्थाएं बन गई है। मैं चाहूँगा अभी इस मौके पर, बहुत मुबारक मौका है, आज विश्व युवा कौशल दिवस है, इस दिवस में चाहूँगा कि एक अम्ब्रेला एक बने, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक नाम हो, कन्फ्यूजन नहीं हो। बच्चे जब होते हैं, छात्र निकलते हैं, तो उनको ये लगता है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, मुझे किससे बात करनी है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जिसमें राजपिक और सक्षम और समर्थ सब योजनाएं जो संचालित हो रही है, वो सभी उस अम्ब्रेला में आ जाए। उसके बाद में हम लोग उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं। अभी हमारे अंबिका जोशी ने कहा कि मेरे घर वालों को कन्विंस किया, मेरे ख्याल अंबिका ने कहा या रविशंकर अग्रवाल ने या पिंकी कुमारी किसी ने कहा कि जो ट्रेनिंग देने वाले हमारे साथी हैं उन्होंने मेरे घर वालों को कन्विंस किया और तब जाके मुझे अलाउ किया जाना, ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग करने के बाद में बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ और मैं मेरा काम करती हूँ। कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई मेट्रो में काम कर रहा है, तो ये स्किल डेवलपमेंट का कमाल है। सॉफ्ट स्किल के बारे में कहा, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम तरह के कोर्सेज हैं, इन सब को मिलाकर के हमें इस पर जोर देना चाहिए। सरकार की मंशा रहेगी, अब तो स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी खुल चुकी है राजस्थान के अंदर, उसके बड़े बड़े उनके कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। मैं चाहूँगा कि एक तरफ तो ITI के माध्यम से, क्योंकि समय के साथ साथ में जरूरत पड़ेगी। अब आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी जल जीवन मिशन चल रहा है देश के अंदर, 50% पैसा राजस्थान सरकार का, 50% पैसा भारत सरकार का होता है और तमाम राजस्थान के गाँवों के अंदर घर घर में पानी पहुंचेगा, गांव के अंदर भी शहरों में हर घर तक नल पहुंचेगा, हर घर नल योजना, जल जीवन मिशन। अब इसमें मुझे बताया गया 4 महीने में करीब 40,000 नौजवानों को प्लम्बर की, फिटर की और इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि जब हर घर में नल पहुंचेगा तो उसमें प्लम्बर की भी जरूरत पड़ेगी, फिटर की जरूरत पड़ेगी, उसमें डिमांड बढ़ेगी। तो जो हमारे साथी हैं उनको चाहिए कि श्रम की प्रतिष्ठा को समझने का प्रयास करें आखिर के अंदर, जिससे कि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। आप देखते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कितने लोग बेरोजगार
किस रूप में प्रेशर रखते सरकार पे भी बनाते हैं, प्यार करते हैं हमारी नौकरी कैसे लग जाए, उसमें वो लोग रात दिन ही कर देते हैं, सालों बीत जाते हैं। और आप कल्पना करें, कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। और सबको मालूम है कि जब सबको नौकरी नहीं मिल सकती है तो हजार नौकरी के लिए 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप सोचिएगा कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है नौकरी के लिए, और बहुत कम लोग नौकरी प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और एक उम्र के बाद फिर वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं। हमें चाहिए कि हम जहाँ हर क्षेत्र में प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, अपने काम धंधे भी प्रारंभ करने का प्रयास करें। अभी हमने पहले हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी, और मेरे समय 2-3-4 लाख लोगों को भत्ता दिया गया होगा। अब उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया कि इसके खाली भत्ता देने का काम नहीं चलेगा, उसके साथ में उसको इंटर्नशिप करवाएं जिससे कि वो स्किल डेवलपमेंट हो सके उसका, और उसी को भत्ता दिया जाए जो इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हो। इसके साथ मैंने बजट में घोषणा करी थी कि 5 लाख नौजवानों को 50,000 तक का लोन इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट करीब 250 करोड़ रुपये सरकार भरेगी उनका, तो 5 लाख नौजवानों को 50,000 तक का लोन मिले स्वरोजगार के लिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंदिरा गांधी, इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिससे वो जब चाहे बैंक से पैसा उठा सकता है 50,000 तक। तो ये इस प्रकार की जो सोच है उसको हमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि हम व्यापार कैसे करें, स्वरोजगार कैसे करें, ये हमें सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। आपको अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जो बेरोजगारी की संख्या है, और अगर देश के अंदर को बड़ी चुनौती है पूरे मुल्क के सामने, वैसे तो कई चुनौतियाँ, अभी कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी है, पहले तो जीवन और आजीविका बचाने की चुनौती है, उसमें तो आप सब लोग लगे रहे मुझे मालूम है, और पूरे प्रदेशवासियों ने बहुत सहयोग किया सरकार का, सरकार ने सिर्फ कदम उठाए मेडिकल साइड में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैनेजमेंट किया जिसके लिए राजस्थान के बाहर भी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और कमी नहीं रखी किस प्रकार जाने बच्चे लोगों की। पर फिर भी सेकंड दूसरी लहर इतनी खतरनाक आई है डेल्टा की, जो वेरिएंट आ रही भी 90% राजस्थान में डेल्टा ही है, और पूरे देश के अंदर भी आज चिंता लगी हुई है कि थर्ड वेव नहीं आ जाएगा। जितना हम खुलापन कर रहे हैं उतना ही तकलीफ भी हो रही है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है उसमें आपको हमको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम आने वाले वक्त में इन चुनौतियों का मुकाबला करें। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये वक्त है कि हम ये चैलेंज हमारे सामने है, जिसमें मैंने कहा कोरोना का तो है और बेरोजगारी का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। युवाओं, हमारा मुल्क युवा मुल्क के रूप में है आज की तारीख में, और युवाओं की संख्या ज़्यादा है, चाइना में उल्टा है वहाँ पर। हमारा मुल्क जो है युवाओं के, मैं समझता हूँ 3/4 के लगभग युवा है देश के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि उनका भविष्य, सरकारी जिम्मेवारी है कि उनको मार्गदर्शन करे, उनको रास्ता दिखाए, उनकी नौकरी का प्रबंधन करे, इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए देश के अंदर वो व्यवस्था करे, आर्थिक रूप से मजबूत हों, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हों जिससे कि ट्रेड इंडस्ट्री बढ़े, और जितना ज़्यादा व्यापार और
एक्चुअली बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक जगत में, उतने ज़्यादा रोजगार मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आजकल तो जो आईटी का जमाना है, अच्छे कोर्स कर लेते हैं उनको तनख्वाहें भी अच्छी मिलती है, लाखों मिलती है, करोड़ों मिलती है। तो तमाम जो समस्या हमारे सामने बेरोजगारी की है, बाकी तो समस्या महंगाई की भी बड़ी समस्या है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं तो लोग भी सब तंग आ गए हैं, तो वो तो एक लंबी कहानी है। पर अगर युवाओं की बात करें तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए युवाओं को तैयार करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल बनाने में जो हमारे भी साथी जो बोल रहे थे, जिनका सिलेक्शन किया गया है स्किल आइकॉन के लिए और स्किल एम्बेसडर के लिए, मैं समझता हूँ ऐसे साथी ही और अन्य साथियों को प्रेरणा दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी आने वाले वक्त के अंदर, आप लोग आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और बाकी अपने साथियों को भी कन्विंस करेंगे। और सरकार की तरफ से भी आने वाले वक्त हम चाहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन गई है, उसका स्वरूप सामने आना चाहिए और ज़्यादा मजबूती के साथ में, वो हमारा प्रयास रहेगा। डिग्री कोर्सेज जो भी कॉलेज में चला रहे हैं वो लोग, और उसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नए नए कोर्स मैंने देखे, अभी सैकड़ों की संख्या में कोर्सेज चलते हैं आपके स्किल डेवलपमेंट में, उसको रीऑर्गेनाइज भी करना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा संख्या में बच्चे आ रहे हैं उनको और ज़्यादा कैसे हम लोग मजबूत कर सकें, कोर्सेज को उनको गाइड कर सकें, उनको लोन दिला सकें टाइम पे, जिससे कि वो अपना काम स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में उस दिशा में आगे बढ़ सके, उनको तकलीफ नहीं हो। ये तमाम काम जो है आने वाले वक्त में हम लोग चाहेंगे कि राजस्थान हो, राजस्थान युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन मिले। और तो अगर बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उससे जुड़ने का काम भी हमें करना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि खाली वेंडर्स के माध्यम से हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी बजाय हम लोग सीधा कॉर्पोरेट जो ट्रेनी है, आईसीआई बैंक भी है, अंबुजा फाउंडेशन, केयर, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, कॉर्पोरेट ट्रेनीज, टीम लीज, कई कंपनी हैं, उनका सेव लेकर के भी हम इनके माध्यम से ट्रेनिंग करवाएं तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और कैंपर इंटरव्यू की तरह मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन जाए, अगर ढंग से हमारी आईटीआई है वो सब तरह की है, जो मेरा अनुभव कहता है कि जो इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह, उन आईटी में नए नए कोर्स भी चालू होते हैं, कोर्सेज बहुत अच्छे ढंग से चलते भी हैं, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, कई जगह कमजोरी भी है। तो मैं चाहूँगा डिपार्टमेंट से पूरी मॉनिटरिंग करें, अच्छे से अच्छे आईटीआई का जो कमी है उनको दूर करे, और नई जगह आईटीआई खोलने की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूँ कि अगर मांग आएगी डिपार्टमेंट से तो हम चाहेंगे कि जितनी मांग हो, जितने कोर्सेज अच्छे अच्छे बन सकें जिससे रोजगार स्वरोजगार मिल सके लोगों को, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। बल्कि कई तो ऐसे भी लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी पसंद भी नहीं करते, वो चाहते हैं हम अपना खुद का स्वरोजगार करें। ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जिन्होंने एक प्रकार संकल्प लिया होता है हम कभी सरकारी नौकरी जाएंगे ही नहीं, ऐसे लोग भी हैं। तो ये तमाम मिला के मैं समझता हूँ हमें इसमें आगे बढ़ना है, और मुझे उम्मीद है कि आज एक मौका भी है, संकल्प लेने का भी है, चिंतन का मनन करने का मौका भी है, और विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे, और आज इस मौके में हम लोग ये हमारे संकल्प होगा आने वाले वक्त में राजस्थान में और ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट सेक्टर में नए युवाओं को जोड़ेंगे, अधिक से अधिक उनको रोजगार मिले, वो अच्छी ट्रेनिंग ले, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात कहता मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अशोक चांदना जी को, तमाम हमारे जोली साहब को, भाटी साहब को, तमाम विभाग के अधिकारियों को कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। इसी बहाने सब लोगों ने चर्चा करी
और इस विषय को मैं ओपन रखी पब्लिक के लिए, तो हजारों लाखों लोग इससे जुड़ेंगे। आप सबकी बातें सुनी उन्होंने, मैं समझता हूँ उससे प्रेरणा लोगों को मिलेगी। अंत में कहना चाहूँगा, कोरोना जो है इसको आप, ये भी चैलेंज बड़ी जंग है हमारे सामने, इसको आप, आपके कई मिलने वाले दूर के रिश्तेदार, कई लोग दुनिया से चले भी गए होंगे, और इतना दुख होता है एक व्यक्ति भी कोरोना के कारण क्यों जाए। दूसरी लहर ने तो ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर, हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, और वैक्सीन को लेकर आप देखिए लाइनें लग रही लंबी लंबी, और वैक्सीन की सप्लाई कम है देश के अंदर, तो पूरी वैक्सीन लग नहीं पा रही है। राजस्थान फॉर्चुनेटली कोरोना मैनेजमेंट में भी टॉप पे रहा, और वैक्सीन के अंदर भी टॉप पे रहा है, और उसी रूप में सेकेंड डोज का ड्यू हो गया टाइम पे। सबसे पहले अगर ड्यू हुआ देश के अंदर तो राजस्थान में हुआ है सेकेंड डोज के लिए। उस रूप में हम लोग लगे हुए हैं, भारत सरकार से संपर्क में हैं कि हमें अधिक से अधिक डोज प्रायोरिटी भी मिले, क्योंकि हमने पहले जो आगे बढ़ के 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंच गए थे हम शुरुआत के अंदर ही जनवरी के अंदर, तो सेकंड डोज भी बहुत पहले हो जाती है, तो उनको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक तो कोरोना पे बच के रहें आप, खुद अपने परिवार को बचाएं, और अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखें। दूसरा, सीएनजी योजना जो है 5 लाख रुपये का जो हमने किया है बीमा सबका, प्रदेशवासियों का 5 लाख का बीमा परिवार का, जिसमें कोई आदमी को भर्ती होने की नौबत आती है अस्पताल में, तो पूरा खर्चा उसके भर्ती होने के 5 दिन पहले से, और भर्ती होके जब ठीक होके घर जाएगा 15 दिन बाद तक का खर्चा इस बीमा योजना में शामिल है। इस प्रकार की एक शानदार योजना, शुरू में कुछ कमियाँ भी इसके अंदर ठीक करें हम उसको, वो हमारे पर छोड़िएगा, हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है कि कमियाँ दूर करें, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है इस पे। आप लोग कोई व्यक्ति छूट गए हों तो प्लीज़ आप लोग उनको सहयोग करें, जो अपना फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करें जिन आधार कार्ड के माध्यम से। और तीसरा, जो पैकेज दिया हम लोगों ने विधवाओं को और अनाथ बच्चों को जिनके माँ बाप चले गए कोरोना के अंदर या विधवाएँ हो गई है, उस पैकेज को भी आप उन परिवार तक पहुंचाएं कि भाई कोई कमी तो नहीं है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बड़ा काम होता है, कोई छूट नहीं जाए। वैसे जिला कलेक्टर्स को कहा हुआ है, वो लोग लगे हुए हैं और डिलीवरी होने लग गई है, पति अनाथ बच्चे को और महिला जो विधवा हुई है 1 लाख रुपए शुरू में देना, फिर विधवा पेंशन अलग है, और अनाथ बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह है, 18 साल होने पर 5 लाख रुपये मिलेंगे उसको। अच्छा पैकेज बनाया है, ये तमाम बातें पूरी पब्लिक सहयोग से संभव होगी। मेरा मानना है कि अनुभव कहता है, जो हमने जनवरी के अंदर मार्च के अंदर 20 में हमने जो सब पड़ी पार्टियों को निवेदन किया, धर्मगुरुओं को निवेदन किया, NGO को एक्टिविस्ट को साथ लिया, और प्रदेशवासी आ गया है, तो मैंने कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मुझे गर्व है कहते हुए, पहले फेज के अंदर जब आई थी लहर, तो उस वक्त में ऐसा माहौल बन गया कि सब एक दूसरे को सेव करते रहे, कोई भूखा नहीं सोए, ये हमने कहा तो उसको निभाया पब्लिक ने, और उसी रूप में एक दूसरे को सेव किया। जो जो उस वक्त में घोषणा हुई थी उसको पूरा जनता ने साथ दिया। अभी भी दूसरी लहर में भी हमने जन सहयोग पखवाड़ा मनाया, अनुशासन पखवाड़ा मनाया, लॉकडाउन किया, सबने साथ दिया, तब जाके आज स्थिति हो गई। अधिकांश जिलों में एक भी मरीज नहीं आ रहा, संक्रमित नहीं आ पा रहा है, और बहुत कम 50-60 की संख्या में संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं, और बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया है। अब जो तीसरी वेव है वो हमारे यहाँ प्रवेश नहीं करे, उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिल करके ध्यान दें। ये जो भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है, लोग लापरवाह हो रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, फिर वापस लॉकडाउन लगाना पड़ेगा।
तो उससे बचना चाहिए सबको, उससे आजीविका का संकट पैदा होता है। जो रोजमर्रा के लोग कमा के खाते हैं उनके सामने बहुत बड़ी चिंता हो जाती है। तो नौबत नहीं आए, हम लोग सब मिलकर अगर मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, हाथ धोएंगे, तो मैं समझता हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। दुनिया के मुल्कों में तीसरी लहर आ रही है, जो विकसित राष्ट्र है उनमें आ रही है, इसलिए तीसरी लहर की संभावनाएं नहीं आएगी तो इससे अच्छी बात को हो नहीं सकती। पर तीसरी लहर की संभावनाएं आज की तारीख में जो हमारे मुल्क के चाहे दुनिया के एक्सपर्ट हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं कि तीसरी लहर आ सकती है देश के अंदर भी, उससे हम बचने का प्रयास करना चाहिए। यही बात कहता हूँ मैं आप सबका, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इतना कहना चाहूँगा कि एक एक चीज़ का हमने ध्यान दिया, उस आपने महसूस किया होगा, इवन इंदिरा रसोई थी जो हमारा कंसेप्ट इंदिरा रसोई का, कोरोना काल में वो भी फ्री फूड दिया गया अटेंडेंट को भी और मरीजों को भी अस्पतालों के अंदर, और उसकी बहुत बड़ी यूजफुल वो योजना रही। आगे भी हम चाहेंगे इसका विस्तार हो। तमाम काम जो होना चाहिए, अभी ऑक्सीजन की कमी पड़ी, अब ऑक्सीजन की हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए हैं बाहर से, दानदाताओं ने काफ़ी मदद करी है, ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं अस्पतालों के अंदर, दवाइयों के स्टॉक कर रहे हैं, तो कमी नहीं रह रही है। थर्ड वेव आए तो हम उसका मुकाबला करने में सक्षम हैं, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, पर सब कुछ डिपेंड करता है पब्लिक के सहयोग से। अगर डिस्टेंसिंग नहीं होगी, मास्क नहीं लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो फिर थर्ड वेव को बुलावा दे रहे हम लोग इस प्रकार से, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। यही बात कहता हूँ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी भावना और आपके निर्देशों को साकार करने के लिए श्री अशोक चन्ना जी हमारे विभाग के मंत्री महोदय के नेतृत्व में हम पूरी तरह संकल्प के साथ आज उठेंगे कि जो निर्देश आपने हमें दिए हैं वो हम पूरे साकार कर पाए। विश्व को युवा कौशल दिवस के अवसर पर हमारे माननीय भावर भाटी सर एवं माननीय टीकाराम जुली सर को भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जिलों में जो हमारे साथी अधिकारी और हमारे जो प्रतिभागी जुड़े हैं उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के दिन हम यही कह करके उठ रहे हैं कि हाँ, विश्व युवा कौशल दिवस के इस अवसर पर युवाओं ने जो प्रेरणा आज आपके उद्बोधन से ली है वो पूरे साल भर कायम रहेगी, और हम स्किलफुल होकर के किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार हो या नौकरी करें, हम सच्चे अर्थों में स्किल्ड होकर के अपने राज्य को आगे लेकर के जाएंगे, जो आपका आह्वान था। बहुत बहुत धन्यवाद सर।